10 ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स जो कि छक्के छुड़ा देते हैं सामने वाले बल्लेबाज के। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निधि शर्मा फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया इज हेयर टू रिएक्ट ऑन टॉप 10 पाकिस्तानी खौफनाक वाले बॉलर्स। देख करके पसीने छूट जाते हैं बल्लेबाजों के। भाई शोहेब अख्तर जैसे जो प्लेयर्स होते हैं ना उनकी बॉलिंग के सामने से सिर विर फटने का डर रहता है यार। भैया पाकिस्तान की तो मिट्टी जादुई तरीके से डिजाइंड है फॉर बॉलर्स, स्पेशली नसीम शाह, शोहेब अख्तर। किस किस का नाम लूं? मुझे नाम लेने की भी क्या जरूरत है, टॉप 10 अपन देखेंगे ही ना साथ में। पाकिस्तान के 10 ऐसे गेंदबाज जिन्हें क्रिकेट फील्ड का दहशत गर्द कहा जाता है। दोस्तों सरजमीन पाकिस्तान जिसे फास्ट बॉलर की जन्नत कहा जाता है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस जमीन ने हमेशा ही एक से बढ़कर एक बॉलर पैदा किया, फिर चाहे वो 90s में तबाही मचाने वाले स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम हो या फिर अपने यॉर्कर से बल्लेबाजों के अंगूठे तोड़ने वाले वकार यूनस। ये ज़मीन इतनी जरखेज थी कि इसने 21वीं सदी में अपने जादू का जलवा दिखाने वाले मोहम्मद आसिफ को पैदा किया और दुनिया के तेज तरीन बॉलर अख्तर को मैदान में उतार कर सबको हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 ऐसे ही ख़तरनाक गेंदबाजों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने कई बल्लेबाजों के कैरियर को बर्बाद कर दिया और उनके सर फाड़ कर चेहरा खूनों खून कर दिया। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम फ्री वक्त में कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिनोमो ऐप, जहाँ आप भी मेरी तरह ढेर सा पैसा कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने माइंड का इस्तेमाल करके। इस ऐप में ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, जैसा कि मैं 2000 रुपये का फोरकास्ट करने लगा हूँ और यस देखो माई फोरकास्ट इज करेक्ट। इस ऐप में डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, मिनिमम 1500 रुपये से काम शुरू कर सकते हैं। बिनोमो से कमाए गए पैसे आप एस्ट्रो पे, कैश माल और बहुत से दूसरे मेथड के जरिए निकलवा सकते हैं। ये काम रिस्की है इसलिए 18+ लोग करें क्योंकि इसमें नुकसान भी हो सकता है। और अभी बिनोमो ऐप को डाउनलोड करें और मेरी तरह ढेर सा पैसा कमाएं। नंबर 10 शाहीन अफरीदी। शाहीन को इस लिस्ट में शामिल करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्रिकेट पंडितों का ऐसा मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी लिस्ट शाहीन के बिना पूरी नहीं होगी। ये पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट है जो अपने कैरियर की शुरुआत में ही दुनिया के नामी ग्रामी बल्लेबाजों को परेशान कर चुका है। इनका लंबा कद और तेज गेंदबाजी किसी भी बैट्समैन को डराने के लिए काफ़ी है। जब ये गेंद को स्विंग करते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाज का शिकार कर लेते हैं। ये ICC के तीनों फॉर्मेट में पसंदीदा बॉलर हैं और T20 वर्ल्ड कप 2021 में तबाही मचा चुके हैं। नंबर 9 मोहम्मद जाहिद। 90s का ये एक ऐसा बॉलर था जो सबसे तेज और ख़तरनाक था। ये बात है 1996 की, जब क्रिकेट की दुनिया के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कहा था कि मैंने आज से पहले जाहिद जैसा तेज बॉलर नहीं देखा। ये पाकिस्तान के पहले ऐसे बॉलर थे जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 11 विकेट्स हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में कहर मचा दिया, मगर PCB ने इनका कैरियर बर्बाद कर दिया। इन्होंने सिर्फ 5 टेस्ट और 11 ODI मैच खेलकर क्रिकेट को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया। उस दौर में स्पीड मापने वाली मशीन नहीं हुआ करती थी, वरना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोहम्मद जाहिद दुनिया के तेज तरीन बॉलर होते। नंबर 8 उमर गुल। उमर गुल पाकिस्तान का एक ऐसा बॉलर था जो ओवर की 6 गेंदें यॉर्कर कर सकता था। इन्होंने 2006 को क्रिकेट का आगाज किया और थोड़े ही अरसे में दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार होने लगे। 2009 का T20 वर्ल्ड कप किसे याद नहीं जब इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपना सिक्का चलाया और AB जैसे बल्लेबाज को शिकार बना लिया। इन्होंने अपने दौर के बेहतरीन बॉलर ब्रैटली, मलिंगा और शॉन टेट का खूब मुकाबला किया और T20 क्रिकेट में कभी किसी को आगे नहीं जाने दिया। उमर गुल बड़ी महारत के साथ यॉर्कर करते और गेंद को इन स्विंग और आउट स्विंग करने की वजह से जाने जाते। इन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया में राज किया, मगर इंजरी की वजह से इन्हें क्रिकेट को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। नंबर 7 मोहम्मद आमिर। पाकिस्तानी मट्टी ने बहुत से बॉलर पैदा किए और उन्हीं में से एक नाम दी ग्रेट आमिर का है।
जो अपनी स्विंग गेंदबाजी का जलवा दिखाते हैं और बल्लेबाजों की विकटें गिराते हैं। आमिर का एक्शन बहुत ही कमाल का है, जो इनको स्पीड निकालने और गेंद को स्विंग करने में मदद करता है। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं और किसी भी बल्लेबाज को अपनी स्विंग गेंदबाजी का शिकार बना लेते हैं। मोहम्मद आमिर एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हैं और कई बार विराट कोहली और रोहित शर्मा की विकेट्स उड़ा चुके हैं। इसीलिए तो इन्हें पाकिस्तान के डेंजरस बल्लेबाजों में 7वां नंबर दिया गया है। नंबर 6, इमरान खान। कप्तान, लीडर, लेजेंड और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हमने दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों की लिस्ट में 5वां नंबर दिया है। कहते हैं कि ये अपने इरा के सबसे तेज तरीन गेंदबाज थे, जिन्होंने फजल महमूद के बाद पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों की भीड़ में अपना नाम कमाया। हालांकि इन्होंने 1987 को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, मगर इनके अंदर एक ऐसा जुनून था जो इन्हें एक बार फिर क्रिकेट के मैदानों में वापस लाया और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया। खान का खूबसूरत रनअप, बेहतरीन छलांग और गजब का एक्शन इन्हें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का खौफनाक बॉलर बना देता है। इनके पास गेंद को स्विंग, स्लो और तेज़ करने के वो सारे ही स्किल थे जो किसी भी बल्लेबाज को तहस नहस कर सकते थे। इसीलिए इन्हें पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों में 6ठा नंबर दिया गया है। नंबर 5, फजल महमूद। फजल महमूद पाकिस्तान के अंडररेटेड गेंदबाज थे जो बहुत ही खतरनाक थे। सिर्फ 34 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद ये पाकिस्तानी गेंदबाजों के बेहतरीन लिस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं? इन्हें क्रिकेट में आए सबसे तेज गेंदबाजों का गुरु माना जाता है। ये उस दौर में आए जब पाकिस्तान के पास कोई भी तेज बॉलर नहीं था और ये फजल महमूद ही थे जिसने इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि आपने इनका नाम ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी इनका शुमार ऐसे गेंदबाजों में होता है जिसे डर का दूसरा नाम कहा जाता है। नंबर 4, वकार यूनस। दोस्तों, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि पाकिस्तानी यॉर्कर मास्टर वकार यूनस दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों की फौज के एक सिपाही थे और 90s की कामयाबियों में सबसे अहम करदार इनकी बॉलिंग का था। ये अक्सर प्रेशर में गेंदबाजी करते और बल्लेबाजों को तहस नहस कर देते। इनके खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरियर में 253 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया। कहते हैं कि इनके यॉर्कर इतने खतरनाक होते कि बल्लेबाज अपने शूज़ के आगे स्टील लगवा लिया करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाउंसर नहीं किया करते थे। इनकी सबसे यादगार बाउंसर वो है जो इन्होंने सचिन को डाली और हेलमेट तोड़कर चेहरा खूनों खून कर दिया। ये कई बार विकटों के दो टुकड़े कर चुके हैं। पाकिस्तान को हमेशा तेज गेंदबाजों का देश माना जाता है और वकार ने भी यही साबित किया। नंबर 3, शुएब अख्तर। अपने 14 साल कैरियर में दुनिया के हर बल्लेबाज के दिल में खौफ कायम करने वाले शुएब अख्तर बहुत ही जालिम थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्रिकेट के मैदानों में खेलने नहीं बल्कि बल्लेबाजों को जख्मी करने के लिए आते। इन्होंने अपने कैरियर में कई बैट्समैनों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। एक बार तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के ग्रेट बैट्समैन के जबड़े को हेलमेट समेत तोड़ दिया था। इन्होंने न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को जख्मी किया बल्कि अपने तेज तरीन बाउंसर से कई बल्लेबाजों के कैरियर को बर्बाद कर दिया। ये वही था जिसके नाम दुनिया की सबसे तेज तरीन गेंद 161.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने कैरियर के आखिरी दिनों में अख्तर की गेंदों को बहुत हिट किया गया, लेकिन इनके गोल्डन इरा में बल्लेबाज इनको छू भी नहीं पाते थे। नंबर 2, वसीम अकरम। अगर बात हो डेंजरस गेंदबाजों की और वसीम का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। वसीम ने दुनिया के तमाम बल्लेबाजों के दिलों में अपनी स्विंग गेंदबाजी का खौफ कायम कर रखा था। ये वही था जिसे दुनिया स्विंग के सुल्तान के नाम से जानती है, क्योंकि ये गेंद को इतना स्विंग करते जैसे कोई फास्ट बॉलर नहीं बल्कि स्पिनर हो। यही वजह है कि आज के दौर के यंगस्टर वसीम को फॉलो करते हैं। ये एक ऐसे बॉलर थे जो वनडे क्रिकेट में विकटों का पहाड़ लगा चुके थे।
वसीम की खास बात इनकी स्विंग बॉलिंग थी। ये अपने बाजू की मदद से पेस जनरेट करते और अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्विंग करते। यही वजह है कि इन्हें स्विंग का सुल्तान कहा जाता है। नंबर वन, मोहम्मद आसिफ। हमारी लिस्ट में पहला नंबर मोहम्मद आसिफ का है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर थे, जिन्हें क्रिकेट फील्ड का मजीशियन कहा जाता है। ये जादूगर क्रिकेट के मैदानों में कहर बनकर उभरा और बड़े से बड़े बैट्समैनों को तहस नहस कर दिया। ये कई बार अपने कैरियर में रिकी पोंटिंग, जैक एलिस, एबी डिविलियर और सचिन तेंदुलकर को तिकनी का नाच नचा चुका है। इनके पास गेंद को इन स्विंग और ओवर स्विंग करने की एक ऐसी महारत थी जो इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर बना देती है। एक बार तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को लगातार 4 मैचों में आउट करके इनका कैरियर खतरे में डाल दिया था। अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर ने कहा था कि मैंने आसिफ से खतरनाक बॉलर का कभी सामना नहीं किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा बॉलर कौन सा है। प्लीज बताइएगा ना ज़रूर से। मेरा तो अगर तेज बॉलिंग की बात करी जाए तो शोएब अख्तर इज़ ऑलवेज माय फेवरेट। और भैया वो तो सच में दहशतगर्दी कह लो, तहलका मचाना ग्राउंड में किसको कहते हैं, वो कोई शोएब अख्तर से सीखे। हेलमेट समेत जबड़ा टूट गया एक इंसान का भाई। अब इसमें अपन दोषी करार भी नहीं दे सकते शोएब अख्तर को, क्योंकि वो तो अपना गेम अच्छे से खेल रहे थे ना। दिस हैपन्स, गेम्स आर रिस्की, स्पोर्ट्स खेलने वाला इंसान का ना दिमाग अलग ही तरीके से काम करता है यार। एंड कूडोज टू पाकिस्तान राइट नाउ, एशिया कप चल रहा है, बहुत अच्छा ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया वर्सेज पाक के मैच के लिए सारे एक्साइटेड रहते हो ना, चाहे तुम इंडिया से हो या पाकिस्तान से। कोई मैच देखते हो या नहीं, क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं, पर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान जरूर देखना है। तो हाँ जी, देखते रहेंगे हम, पर मजे लेते रहेंगे, प्यार बांटेंगे, प्यार फैलाएंगे, नफरतें नहीं बांटनी है। नकुर बाबा, अपने मस्त फ्रेंडली मैचेस चलते हैं, इतने लवी डवी हैं यार अपन लोग के प्लेयर्स तो आपस में। अभी पहले की कंडीशन मुझे नहीं पता, पहले तो राइवलरी भयंकर चलती थी, अभी तो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, चुम्मियां दे रहे हैं, सीन कुछ और चल रहा है भाई। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत गजब खेल रहा है पाकिस्तान। अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड अस एवरीवन। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ रोजाना मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय।